जो बात हमारी अली शाह साहब से हो रही थी, उन्होंने यकीनन पॉइंट आउट किया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और यकीनन एक ये बड़ी हैरत की बात है कि आज तक कोई टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सका। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो बलूचिस्तान की सियासत का हवाले से हम देखते आ रहे हैं, या जेन्युइन कंसर्न है जो खुद भी है बाप पार्टी के अंदर से सामने आ रहे हैं, इत्तेहादियों के सामने अपोजिशन सब यक जुबान हो रहे हैं सीएम के खिलाफ? देखिए, अपोजिशन ये काफी मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम है कि मैं देख रहा हूँ अपोजिशन बहुत ही मजबूत है, और इस वक्त 17 के करीब थी पिछले असेंबलियों में अपोजिशन, जिसमें पशुपा मीडियम ऑफ पार्टी और डॉक्टर मालिक साहब की नेशनल पार्टी थी और दूसरे जमाते थी। तो ये लेकिन इस मरतबा 22 के करीब है तीन जमात जो पश्चिमपा मीडियम ऑन पार्टी JUIF और BNP मेंगल है, और एक रुकन आजाद है नवाब असलम पहसानी, और दूसरा रुकन आजाद नहीं है नून के उस पर अध्यक्ष पर इलेक्शन लड़ा था नवाब सनाउल्ला जहरी। तो 24 हो जाते हैं, शायद नवाब सनाउल्ला जहरी की हिमायत को ना हो, लेकिन 23 सरकार इस वक्त बिल्कुल मुतहद है, और अगर ये अराकीन ये इन्होंने पेश किया तो जाहिर है मामला बड़ा गंभीर है, और हो सकता है कि वो अगर उससे पहले कोई कंप्रोमाइज ना हो जाए, उससे पहले इत्याद ये नाराज अराकीन कम ना हो, ये हो सकता है। लेकिन ये कि अगर वो इसी तरह जिस तरह ये जा रहे हैं मुस्तैदी से, अब तक उन्होंने तमाम पेशकशें तमाम चीजें ठुकरा दी हैं, और वो बिल्कुल आगे जाकर वो बढ़ रहे हैं, और इस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं कि वो बिल्कुल वो करते हैं जी। अब कुछ इसमें जान जमाली साहब के दस्तखत नहीं है, जान जमाली साहब नजर आए उसमें नजर आए लेकिन उनके दस्तखत नहीं है उसमें। कल रात तक उनसे कोई मीटिंग चल रही थी, उनसे ये उनको मना लिया गया और उनको कह दिया गया, और कल कुछ हुती लोगों के साथ लाला रशीद कहीं नजर आए, और आज उनके दस्तखत इधर हैं। तो मैं अपने तौर पर तो कोशिश कर रहे हैं, जो अपोजिशन का जो ये एक वो है आप कह लें कि मूव नया मूव उनका है, इससे पहले उनका मूव ये था कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो उन्होंने पेश किया था और इन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, जिस पर इनको बहुत सख्त मना कर दिया गया कि आप पीडीएम की जीत करने जा रहे हैं, पीडीएम जो है वो करेंगे। सही। अब इन्होंने ये मूव किया, ये जरा खतरनाक मूव है, अब देखना यह है कि हुकूमत उसको किस तरीके से कैसे वो करती है और कैसे निपटती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, देखिए ये जेन्युइन मसले नहीं होते हैं, हमेशा वजीर आला को जो है वो फुल्स एंड प्रेशर के अंडर रखा जाता है और हमेशा ही होता रहा है। मैं बार बार कहता रहा हूँ अपने टीवी प्रोग्राम में, नवाब असलम पहसानी एक अपोजिशन एक बंदा था उनके, और 64 अरकान थे, एक बंदा अपोजिशन का था 64 अरकान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इतने मजबूत होने के बाद भी 48 लोगों को जो है ना उन्होंने नवाज दिया, अपने काबीना में शामिल कर दिया, पहले उनको महकमे उनके पास नहीं थे। हम इसकी तफसील में जाते हैं शहजादा साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।